वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, इस ब्लॉग पे आज हम लोग जाने वाले हैं फिर से अपने मामा के घर, क्योंकि जोजो गाइस जोजो ने देवसी उस ग्रुप में खेला था जो हम लोग कमिटी था, मगर कमिटी के ग्रुप पे, तो उन सबको गाइस बुलाया है, जैसे भी आने के लिए बोला है, इन्विटेशन दिया है और कुछ पूजा रखा जाएगा। और गाइस कल है संडे, छुट्टी है तो अपन इसीलिए निकल रहे हैं। फिलहाल तो बज रहा है समथिंग 5 के अराउंड, 5 बजने वाला होगा शाम का, तो उसके अराउंड है। अभी हम लोग प्रकाश जो उस दिन को हम लोग छोड़ा था स्टेशन तक, शांतिपुर बोल के है, तो वहां से छोड़ा था, तो वही हमें फिर से लेने आ रहा है। और हम जाएंगे यहाँ से अभी शाम को और देखते हैं 1.5 घंटा के आसपास वहां पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां पे मैं चल के आपको दिखाऊंगा क्या क्या कैसा कैसा हो रहा है। ये हर साल से उन लोग का रीति रिवाज जो नियम होता है वो चलते आ रहा है, तो वो लोग वैसे ही करते हैं हर साल, जो जो खेलते सबको बुलाते हैं गाइस। तो इसी बार जो कि हम भी थे उस ग्रुप पे, तो इसे हमें भी बुलाया है। फिलहाल के लिए गाइस अभी अपन रेडी हो जाते हैं, उसके बाद हमें आप लोग से मिलते हैं। अपन रेडी हो गए हैं और अब कुछ ही मिनटों में प्रकाश आने वाला है, उसके बाद अपन सीधा निकलेंगे। तो गाइस प्रकाश भाई आ गया है, तो माँ मेरे को बाहर तक छोड़ने आई है। देख लीजिए, ये है रोइंग मार्केट, रोइंग टाउन। ओके, तो मुझे पीछे सीट मिला तो वही बात है ना, ये पीछे वाला सीट से ज़्यादा कुछ अच्छा व्यू तो नहीं आएगा, फिर भी आप लोगों के लिए। अब यहाँ से अभी हाईवे में निकलने वाले हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो मुझे ये वीडियो करके कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बंद भी कर दूँगा शायद। गाइस टाइमलेस बनाता अगर दिन रहता तो पीछे वाले सीट से होने से भी टाइमलेस तो बनाता, पर फिलहाल के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, तो उनको यहीं पर पॉज करके अपन सीधा आपको वहाँ पर पहुँच के मिलेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो अपन पहुँच गए हैं, तो प्रकाश, थैंक्स टू प्रकाश जिसने हमें पहुँचा दिया मामा के घर। अगेन हम पहुँचते यहाँ पे घर पे सिर्फ भैया थे और मामा मामी तो नहीं है फिलहाल। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं और कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है काफ़ी अच्छी तरह से, गोलगच्ची से लेके पूरा बढ़िया से। तो अभी फ़िलहाल के लिए गाइस मीटिंग चल रहा है, तो इसीलिए अपन थोड़ा लेट हो गए यहाँ पर, तो बीच पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वही सोच रहे हैं, देखिए क्या होता है। पर काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है गाइस, काफ़ी लोग आए हैं और इलेक्शन में जो खड़े हुए कैंडिडेट्स आए वो भी आए हैं, तो कुछ मीटिंग चल रहा है फ़िलहाल के लिए, तो उस चीज़ को देखने के लिए अपन साथ ही साथ आ रहे हैं और देखिए क्या होता है गाइस। चलिए चलिए, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पूजा रखा जाता है, तो सारे मेंबर्स बैठते हैं और मतलब वहाँ पे पूजा भी वो देना पड़ता है ना उस हिसाब से। और इधर यहाँ पे थोड़ा मीटिंग चल रहा है एज यू कैन सी, और काफ़ी सारे आदमी आए हुए हैं गाइस, कोलगे चुच गाड़ के काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया, ये काफ़ी अच्छा लगा गाइस। तो काफ़ी लोग जमा हुए हैं सपोर्ट करने के लिए दूसरे का टीम को, और मीटिंग चल रहा है ताकि आगे फ्यूचर जनरेशन से क्या क्या हो, कैसा हो, कैसे आगे बढ़े, कितना अच्छा हो, वो सब शायद बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगे। और उसी तरह से थोड़ा देर सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, उसके बाद अपन देउसी खेल्दा खेरि यी डे खेल चाहिँ एकदम वञ्चित गर्नुपर्छ र आउने जुन 2021 सनको देउसी वा तिहार जुन उ गरिन्छ त्यसको रमाइलो साँझ राख्ने गोर्खा सम्मेलनले पनि एउटा राम्रो उद्योग लिएको छ, त्यहाँबाट भएन जिएससी भनेर अहिले एउटा जुन गठन भएको छ उहाँहरूले हाम्रो कालदारहरूलाई मात्रै विशेष प्राधान्य दिएको छ र हामीले जति
हाम्रो कल्चर भुलेर डेकतिर मादलतिर नगर डेकतिर हरेकतिर गयौँ भने हामी के हुन्छ, हामी कल्चरबाट एकदम माने विलीन हुन्छ। हामीले देखाइनौँ कल्चर हाम्रो भने कसले देखाइदिने, अर्को आएर त देखाइदिँदैन। हो र पोइन्ट हामीले मगर समाज मगर कमेटी यहाँ के इस गांव के ने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है, एज यू कैन सी। और काफ़ी सारे लोग आए हैं सपोर्ट करने के लिए भी, और यहाँ पे पूजा भी लगाया जा रहा है, साथ में मीटिंग भी चला जा रहा है शायद। और गाइस यहाँ पे ये बनाया खाना पकाने के लिए, जैसा सुनने में आया मेरे को। तो यहाँ पे गाइस जो यार आ रहे हैं, जो जो खाना चल रहा है, सबको खाना भी खिलाएंगे। मैं पास में नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक तो देर से आया हूँ, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। और मैं यहाँ से जाऊँगा ये से तो सब मेरे को देखेगा फिर, क्योंकि ये पूजा वगैरह सब खत्म हो गया है। और यहाँ मैं कॉमेडी के बंदे रेडी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ मैं परफॉर्म करके दिखाना है जो जो देवश्री में देवश्री के दिनों में किए थे परफॉर्म। और वही उस तरह से मीटिंग वीटिंग सब खत्म हो गया है और सब तैयार हो रहा है, और हम लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो सब हो जाएगा फ्री, सब कुछ चाय वो देकर शायद कुछ कुछ दे रहे हैं, तो प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सब वार्म अप कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। और जो देवसरे के दिनों में जितना डांस जितना गाना जैसा किया था वैसे वो लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। आइए गाइस, सो एज यू कैन सी तो गाइस इसी तरह से मादल जो है उसका धुन आते ही अपने आप फिर शरीर हिलने लग जाता है। इस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है काफी अच्छे से। एज यू कैन सी डांस शुरू हो गया, तो मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हुए इस तरह से गाइस काफी सारे लोग सपोर्ट करने आए हैं, देखने आए हैं जो जिन्होंने नहीं देखा था। मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ वन ऑफ द कैप्टन ऑफ द देवसरे टीम ऑफ आवर मगर कमेटी, विकास शर्मा। विकास भाई कब छो? एकदम दामी छो, दामी छो नी, ठीक है छो भाई। लक्ष्मी पूजा नहीं करी? हाँ, ये लक्ष्मी पूजा ही है। तो विकास भाई ने वो कंफर्म कर दिया है, और फिलहाल वो कुछ पैकअप कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ा जगह बना रहा है और शायद क्रिएट, और उसका भी थोड़ा देर में डांस होगा, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए गाइस एंजॉय। ये गाइस दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डांस ऑफ द टीम। गोरखाली को छोरो हुमो ढाका टोपी शर्मा। हे गाइस, तो यहां पे लास्ट अपना प्रोग्राम आ रहा है। हेलो भाई, तो भाई का नाम के हो? मेरा नाम अरुण। राजकुमार छेत्री। अच्छा, अब कति को रमाइलो भइरहेछ यहाँ त? एकदमै अति चार रमाइलो के। हजुर हजुर, भाइको नाम के हो? करण थापा। करण भाई, तो करण मेरा भतिजा लगता है गाइस। आई एम हियर विथ माय ब्रदर, माय कजन, मेरो मामाको छोरा गाइस। सो दा, अनि यो पालि के कस्तो भयो देउसी? अब देउसी सबैजनाले राम्ररीसँग पालन गरियो, त्यही पनि अहिलेको लकडाउन समयमा ज्यादा स्वर मचाउनु पाएन, त्यसमा अलिक दुःख लागेछ सबैलाई। त्यस कारण लकडाउनको हिसाबले हामीले नर्मल तरिकाले हाम्रो देउसी सबै राम्ररी नै पालन गरेर अहिलेसम्म हामी बिदाई लिँदैछौँ। अब हाम्रो आज देउसीको पार्टी पनि हो। दादा, योपालि अनि के कस्तो भयो देउसी रे? देउसी योपालिको राम्रै लाग्यो, राम्रै भयो। फिलहाल अहिले हाम्रो देउसी अब अलिक देउसी खेलिओरि पनि बिउ सायद उडाउनेमा अब गएको छ, मतलब देउसी अब ने आसाममा बसेर बिउ उडाउनेमा आउँछ कुरो, देउसी मतलब देउसी उडाउने। अनमोल दासँग छ हामी। हेलो अलमन्दा। हजुर नमस्ते सबैलाई, होइन सबै सन्चै नि। योपालि देउसी कस्तो भयो हजुरको यस तर्फबाट? देउसी यो साल अति राम्रो लाग्यो, मलाई खुसी लाग्यो, राम्ररी कट्यो, होइन आज लास्ट बिदा पनि गरियो। भान्जी अरू भतिजी अरू बहन बढिया सब बहिन, अनि बहिनी भान्जीहरूलाई के कस्तो लाग्यो योपालि खेलेर? माई गड, सब पुरा फुल जोस, फुल अफ एनर्जी। इसके बारे में कुछ आपको एक चिज बताऊँगा, वो ये है कि ये जो है कोल का गाछ सब, इनको हमें सुबह होते ही नदी पे लेके बहाना होता है। ये सब जितना यहाँ में फूल वूल चढ़ाए हैं सबको,
तो वही सुबह तक रह सकेंगे तो रहेंगे, और उसके बाद गाइस आपको अपन दिखाएंगे सुबह में कैसे लेके चढ़ाते हैं हम लोग। तो अपन अपना एक भांजा को लेके ले जाने वाले हैं। यहाँ से कितने किलोमीटर से बाटी बाटी गुटी 10-15 किलोमीटर दूर। तो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ा डांस थोड़ा लग रहा है, गाना तो बज रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा नाचना पड़ेगा लग रहा है यार। गाइस अपन वापस आ गए हैं और बज रहा है क्या आदमी भीड़। गाइस देखिए सिर्फ डांस करने के लिए और कुछ भी नहीं, मतलब गाइस एक बात तो ये है कि नेपाली लोग को एंटरटेन फुर्ती करने में कोई शायद नहीं हरा सकता है। नेपाली लोग को डिफीट करना इन दिस सिचुएशन आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन डू इट। भीड़ देखिए गाइस, भीड़ 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 ठंडा लगने के बाद थोड़ा आग भी सेक लेते हैं क्योंकि रात भर बैठना है, तो आग भी तो गर्म भी रहना चाहिए। ओके तो बज गए हैं सुबह के 3 और अभी तक आप लोग देख रहे हो इतना सारा भीड़ है। अभी तक हम जागे हुए हैं और 2 घंटा हो रहे, उसके बाद देखते हैं थोड़ा उजाला होने का क्या होता है। तब हमें लेके जाना है ये वाला को नदी में लेके जाना है। बज रहा है 3:40 के आसपास और ये जो था यहाँ पे गाढ़ा हुआ कोलगत सब निकाल दिया है और थोड़ा नदी दूर है यहाँ पे विसर्जन के लिए, तो इसीलिए हमारे भैया सब ने डिसाइड किया है कि हम पहले विसर्जन करके आएंगे, उसके बाद शायद यहाँ पे फिर से डांस होगा जैसा मेरे को सुनने में आ रहा है। इधर सब टायर्ड है तो और धीरे धीरे करके आदमी सब गायब हो रहे हैं ना, सुबह तक नहीं रह पाएंगे। दैट्स व्हाई सबने डिसाइड किया कि अभी लेके जाएंगे और अगर होगा तो आके डांस। ठीक है गाइस, हम वहाँ जाके मिलते हैं आपको क्योंकि फिलहाल तो रास्ते में पूरा अंधेरा रहेगा, चेहरा कुछ दिखाई नहीं देगा, जाके कुछ फायदा नहीं है। देखिए अब किस तरह से चढ़ाया जाता है। पहले सब बोलना चला
पूजा जो किया था सब चीज का विसर्जन कर दिया है और अब सब यहाँ से थोड़ा मुंह हाथ धो के फ्रेश तो नहीं लेकिन फिर भी मतलब तो चढ़ाया तो उसके लिए मुंह हाथ धो के चलेंगे सब साथ में उसके वहाँ जाके देखते हैं अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो भैया लोग बोल रहे हैं कि और एक बार डांस करेंगे सब विसर्जन करके आ गए हैं और अगेन डांस शुरू हो गया गाइस नेपाली लोगों को डांस करने में एंजॉय करने में तो हरा नहीं सकेगा लेकिन इतना तो मैं लिख के दे दूंगा नींद से आँख लाल हो गया लग रहा है अपन आज कितना बज रहा है 4:17 मतलब आज अपन रात भर नहीं सोए हैं इसी तरह से अपन कर रहे हैं अपन क्या की तरह डांस करेंगे क्योंकि उजाला हो ही गया तो उजाला कर ही देते हैं एक घंटा ही तो है गाइस आपको भी मैं थोड़ी देर पॉज में रखता हूँ और चलता हूँ आपको उजाला हो रहा है 5:12 हो गया है और अब हम लोग इतने बचे हैं पर फिर उजाला तो करके रहे हैं गाइस तो देखिए और कितना बजे तक चलता है प्रोग्राम लास्ट में चलते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या कैसे हो रहा है क्या कैसे चल रहा है तो ये उजाला जितना होता है कम आदमी बचेगा बोल के हम लोगों ने भैया लोग के सीजन पे थोड़ा अंधेरा मतलब 3:30 तरफ ही वो ले गए वरना आदमी तो कम रहता ना उधर जाने के लिए As you can see, पूरा उजाला हो गया है हमने रात भर बैठ के नाच के एंजॉय करके उजाला कर दिया है तो गाइस लास्ट पे एट द एंड हम लोग इतने बचे तो इसी के साथ शायद इस ब्लॉग को खत्म करते हुए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में बाय बाय एंड हाई बाय